वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, मैं सिकिदरी झारखंड सिकिदरी घाटी बाईपास रोड में मैं हूं, जहां पे लोग रांची जाते हैं, गोला जाते हैं, चितरपुर जाते हैं। तो मैं एक बहुत अच्छा मैं हिडन प्लेस में आपको ले चलता हूं, जहां पे आप कभी देखे नहीं होंगे ना सुने होंगे। तो दोस्तों, मैं एक नहर, जहाँ पे लोग बिना जब तक नहर नहीं पार करेंगे तो गोला नहीं जा सकते हैं और गोला से रांची नहीं आ सकते हैं दोस्तों। तो एक नहर ले चलता हूँ, नहर के बगल में और एक जो घाटी है जो सिकिदरी बाईपास के नाम से जाना जाते हैं, और वहाँ पे नहर में नहाने का मज़ा कुछ और ही रहता है। देख सकते हैं हमारे दोस्त लोग हैं और सभी लोग उसके सामने मैं आज ले कर चलूँगा, सभी बच्चे लोग को लेकिन सेफ स्थान में ले कर चलूँगा। और देख सकते हैं हमारे बीच मासूम है, डुगू है, हम लोग सभी लोग जा रहे हैं और बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। और आप लोगों उस स्थान ले कर चलेंगे जहाँ पे आपको कभी देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि झारखंड में, झारखंड एक सुंदरता जगह है दोस्तों। इसका ऐसे ऐसे जगह जो है घूमना बहुत मज़ेदार है, आबो हवा बहुत अच्छा लगता है, सुंदरता से भरा हुआ जगह है। चलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मैं दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर उतरना बहुत ही कठिन है। मैं धीरे धीरे सोलो सोलो स्कूटी को पार कर रहा हूं। अगर किसी तरह बाय मिस्टेक हो जाए तो बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, कार और आ नहीं सकता है, क्योंकि रास्ता बहुत ही घना जंगल के बीच से होकर के गुजरता है और बहुत ही ज़्यादा जंगल है, झाड़ी है। देख सकते हैं मैं धीरे 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 मैं उतार, डर भी लग रहा है किसी तरह घिसक ना जाए। देख सकते हैं गाइस, पूरा नहर, ये गैतल सूद जो डैम है उसका जो पानी उसी का नहर है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही अच्छा बिजली को उत्पादन केंद्र है और सिंचाई का साधन बहुत अच्छा है, लोग नहाते वहाते बहुत सारा इंजॉय करते हैं दोस्तों। मैं फाइनल नहर के पास पहुँच गया हूँ और देख सकते हैं ये छोटा सा रास्ता उस पार से इस पार आने वाला रास्ता है, जिसमें मुझे पार होना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे मन कर रहा है, देख के लोग नहा भी रहे हैं और नहाने का मन भी करता है। जब मैं सिकिदरी आता हूँ तब मैं खूब इंजॉय करता हूँ, नहाता हूँ और मस्ती करता हूँ लोगों के साथ मिलकर। देख सकते हैं एक लड़का कैसे छलांग लगाएगा, देख सकते हैं गाइस, इसी तरीके से बहुत मज़ा आता है। गांव का लाइफ स्टाइल, गाँव का व्यू, गांव का वातावरण, गांव का सांस्कृतिक लाइफ क्या हो सकता है। देख सकते हैं नहाने मज़ा ही कुछ और है, दादाजी भी नहा रहे हैं, बच्चे लोग भी आए हैं, सब सेफ्टी के साथ नहा रहे हैं। अभी बाईपास का जो पानी है, जो है यहाँ पे इस नहर का पानी सोलो सोलो चल रहा है दोस्तों, और मैं बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के नहाने के स्पेस ये नहीं है। तो मैं यहाँ पे इंजॉय करता हूँ, देखता हूँ कैसा मज़ा आता है। और इन लोगों मना मैं कर दिया हूँ कि छोटे बच्चे का जगह नहीं है, सेफ्टी नहीं है, फिर भी यहाँ पे लोग नहाते, जो वाकई में जो है बच्चे जो अब अगल बगल के जो हैं वही नहाते हैं, वैसे तो सभी लोग नहाते नहीं हैं। देख सकते हैं गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है, कितना अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे दो स्थान हैं, जैसा कि बहुत मज़ेदार चीज़ है, देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, दादाजी भी नहा रहे हैं। क्या हो, क्या हाल चाल है, सब ठीक है? देख सकते हैं बहुत मस्त लग रहा है, ये नहाते हुए नजर आ रहे हैं। और सभी लोग, अभी भीड़ भाड़ उतना नहीं है, गर्मी का काफ़ी मौसम है, तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो पानी के नहर का पानी कम हो जाता है। मछली उछली, ताज़ा मछली यहाँ के, खास करके बता दूँ कितना लाजवाब, कितना टेस्टी लगता है इस नहर का, गैतलसूद डैम का ताज़ा ताज़ा मछली, यार इंजॉय करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा कुछ सोचते हैं, नहाने की कोशिश करते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि मैं नहाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, फाइनली देख सकते हैं क्या इंजॉय करने का जगह है, तो देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए बच्चे लोग से ये बात करते हैं थोड़ा। Thank you.
जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, मैं रेडी हो रहा हूँ और देखता हूँ बहुत दिनों के बाद, 6 महीना 3 महीना 4 महीना लग ही जाता है जब भी मैं आता हूँ, तो कोशिश करता हूँ नहाने का क्योंकि मन तो करने लगता है। बचपना याद आने लगता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग गाँव में रहते थे तो बचपन में नदी तालाब कुआं वुआ में नहाया करते थे, इसी चलते मुझे यहाँ का भी जो है मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं आगे चलकर वहाँ पे जाते हैं और ऊपर से नहाने की कोशिश करता है। डर तो काफ़ी लगता है कि छूट जाता है, सब लोग हंसते हुए नज़र आ रहे, देख सकते हैं बच्चे को, और देख सकते हैं मैं ऊपर से जाता हूँ और कोशिश करता हूँ। बहुत दिन हो चुका है, डर तो लग रहा है, कैसे दिल धक 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 कर रहा है, लेकिन मज़ा तो आता है। पहले भी बहुत बार हमने नहाया है इस जगह और बच्चों के साथ में भी आए हैं, और बहुत सारे सिकंदरी घाटी के जितने भी लोग नॉर्मली ये रहते हैं, यहाँ के आदिवासी या यहाँ के जितने भी समाज के लोग रहते हैं, वो भी देख सकते हैं दादाजी किस तरीके से नहा रहे हैं। धीरे 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 वो नहा रहे, तैर रहे हैं, उनको भी काफ़ी मज़ा इंजॉय। लगभग 56-57-58 साल से भी ज़्यादा बढ़कर देख सकते हैं कैसे तैर रहे हैं भाई, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन बहुत दिन हो जाता है इसी चलते, लेकिन बच्चे में तो जितने बच्चे लोग हैं वैसे छोटे छोटे थे उस समय, काफ़ी नहाया करते थे, लेकिन थोड़ा सा लगता है कभी कभी वैसा महसूस होता है, दिल में घबराहट सा लगता है। तो देखते हैं, इंजॉय करते हैं, बच्चे लोग कह रहे हैं डरने की कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी पता है कि डरते हैं तो एक बार सिर्फ डर लगता है, फिर दोबारा तीन बार, अभी अगर जब तक तैरने नहीं जानते हो ना तो ऐसा कभी ये मत कीजिए। देख सकते हैं वो बच्चा दौड़ दिया, मुझे भी दौड़ना है। देख सकते हैं गाइस, मैं अभी छलांग लगाता हूँ, ए कोशिश तो कर रहा हूँ, ए बस। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, पानी एक एक जो है चेस्ट है, देख सकते हैं आर्म तक है, बाजू तक है, देख सकते हैं धीरे धीरे वो गड्ढा की ओर पड़ता है। देख सकते हैं दोस्त, बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा भी लग रहा है, काफ़ी गर्मी है, लगभग 12-1 बजे का टाइमिंग है। देख सकते हैं मुझे तैरने का दिल कर रहा है, बच्चे भी मेरे साथ में हैं, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन बच्चे लोग यहाँ नहाने को नहीं है, मना कैसे करूँ, सबका अपना अपना चॉइस है। देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा है, बीच में जाते रहता है, थोड़ा थोड़ा किनारे आइएगा तो वैसे वैसे पानी कम होते जाता है। तो दादाजी भी देख सकते हैं किस तरीके से वो भी इंजॉय कर रहे हैं, और मैं भी निकलता हूँ, नहाता हूँ, इंजॉय करता हूँ, मस्ती करता हूँ। देख सकते हैं मज़ा कुछ और ही रहता है, यहाँ का सांस्कृतिक, यहाँ का जीवन, यहाँ की सादगी जो है बहुत मज़ा आता है। अगर मैं बता दूँ एक चीज़, अगर पानी अगर जब गैतलसूद डैम का जब खुलता है ना, तो यहाँ का सायरन भी बजता है, सायरन शाम को बजता है, ऐसे सुबह में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नॉर्मली पानी है, अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं एंजॉय करने में काफ़ी मज़ा लगता है, ऐसा ऐसा जगह जो है, कभी आप लोग भी आइए, इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, हमारे साथ आइए। अगर हमको नहीं जानते हैं तो आप किसी के रिश्तेदार वगैरह, नदी तालाब का पानी कुछ और ही रहता है, लाजवाब रहता है। लेकिन मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ एक फर्स्ट नहर है, लेकिन नहर के बाद जो है और थोड़ी दूर में अगर हम लोग झाड़ी या जंगल के अंदर चलेंगे तो और भी बहुत खूबसूरत स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगा जहाँ बच्चे लोग भी सेफ्टी से नहा सकते हैं। तो मैं फाइनली निकलता हूँ धीरे धीरे, और बच्चे लोग क्या बोलते हैं उन लोग से डिसीजन लेता हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको तैयार करता हूँ, बनाता हूँ, ताकि वहाँ पर आपको देखने में मज़ा लगे। हिडन प्लेस, ऐसा ऐसा जगह तो काफ़ी कम ही मिलता है, लेकिन वैसा आप देख नहीं पाओगे, ऐसा कभी महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि सिकंदरी घाटी जो पड़ता है हमारे, सिकंदरी झारखंड में पड़ता है, आप जानती है कितना मस्त है। यहाँ का बिजली का उत्पादन केंद्र इसी पानी से लगभग ब्रिटिश ज़माने से, आज के डेट में नहीं, ब्रिटिश ज़माने से होकर के ये नहर बना है, और नहर में आपको जानते ही बहुत तरह तरह का जो है यहाँ सब रेखा जो है, बिजली उत्पादन केंद्र है, घाटी है, खूबसूरत तालाब है, बहुत अच्छा अच्छा सीन है, एंड स्विच यार्ड है, बहुत सुंदर सुंदर जगह है, हुंडू फॉल वगैरह सब यही के लोकेशन में है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस देखते हैं, सुनते हैं, मज़े यहाँ पे नहा रहे थे, बहुत स्नान किए, बहुत मज़ा किए, रही दूसरी बात कि सभी लोग के साथ में, अंकल लोग के साथ में, और ये सारे बच्चे लोग के साथ में, और हम लोग इससे भी ज़बरदस्त सेफ प्लेस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेफ प्लेस बच्चों के लोग के लिए नहीं है, सीधी से बात मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा छोटा बच्चे लोग भी आए, इन लोगों को भी शौक होता है कि हम झरना में नहाएं,
झील में नहाएं, है ना। तो देख सकते हैं ये भाई लोग हैं और ये माहिम है। माहिम कुछ कहना चाहता है भाई? तो माहिम जो है अभी रिजवी जो है साइलेंट पड़ा हुआ है, दुखी यहाँ पे आता है, दुखी में ही पड़ जाता है पता नहीं क्यों। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ से कितना दूर होगा? बस 5 मिनट का रास्ता है। और 5 मिनट का रास्ता ऐसा रास्ता है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो नया व्यक्ति हैं जो वहाँ पे जा नहीं पाएंगे, इसलिए जा नहीं पाएंगे क्योंकि झाड़ी से भरा हुआ है। तो देखते हैं कैसे कैसे लोग जाते हैं और कैसे कैसे मुझे पहुँचना है, उस सबको सारा चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए दोस्तों अब जाने की शुरुआत करते हैं। बाय, ठीक है।